मैं प्रोफेसर डॉक्टर योगेश मित्तल रिटायर्ड एमएससी इन ज्योग्राफी एमफिल इन ज्योग्राफी और पीएचडी डॉक्टरेट इन ज्योग्राफी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी, इसमें ज्योग्राफी को अपन ने लिख दिया, इसके दो भाग होते हैं, जियो प्लस ग्राफी। इसमें जियो पृथ्वी, ग्राफी पृथ्वी का अध्ययन है। जो भी पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार की मानवीय और प्राकृतिक गतिविधियां होती हैं उनको भूगोल में अध्ययन किया जाता है। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, अधिक तापमान वाले क्षेत्र, कम तापमान वाले क्षेत्र, तापमान के अनुसार अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति, अलग अलग प्रकार के पाए जाने वाले प्राकृतिक जीव जंतु, मौसम का मानव के निवास पर क्या असर पड़ता है वो भी भूगोल में अध्ययन किया जाता है। इसमें कहाँ प्राकृतिक मैदान है, कहाँ से जलधाराएं चलती हैं, कहाँ जाके वो मिलती हैं, कहाँ भूमध्यरेखीय क्षेत्र कैसे प्रभावित होता है, किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कैसे बनता है, शीत कटिबंधीय कैसे बनता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, पूरी की पूरी पृथ्वी का प्राकृतिक और मानवीय अध्ययन ज्योग्राफी में उसका विस्तार से उसकी पढ़ाई की जाती है। इसमें सबसे पहले पूरा तो नहीं बताया जाएगा, परंतु सबसे पहले ज्योग्राफी का वर्णन करने से पहले ये आता है कि व्हाट इज शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आकृति क्या है? कोई कहता है चपटी है, कोई कहता है अंडाकार है, कोई कहता है गोल है, और अलग अलग आकृतियों से पृथ्वी की आकृति की तुलना की जाती है। परंतु वास्तव में पृथ्वी की आकृति ज्वाइंट अर्थात इसका अपना ही आकार है, इसके आकार की किसी अन्य प्राकृतिक वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, इसका अपना ही आकार है, इसके आकार की किसी अन्य प्राकृतिक वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि क्योंकि ये अर्थ इज अर्थलाइक ये ध्रुवों से थोड़ी सी पिचकी हुई है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र से थोड़ी सी एक्सटेंडेड है। प्रकृति में इस आकार की कोई अन्य प्राकृतिक वस्तु नहीं बनाई कि उसके आकार की पृथ्वी से तुलना की जा सकती है। हाँ, कहने में इसको हम कह सकते हैं कि गोल है, परंतु अंडाकार, चपटी, चौरस, वर्गाकार, आयताकार इसकी आकृति नहीं है। कहने में गोल है, परंतु इसके आकार की किसी अन्य प्राकृतिक वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती।
अब कहने में गोल, वास्तव में ज्वाइंट। मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र से फैली हुई है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से थोड़ी सी पिचकी हुई है। इसमें इस शेप में जितना भी भूगोल का ऊपरी अध्ययन है, और जियोमॉर्फोलॉजी में तो हम उसका अंदर का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु जो ऊपरी जो वो है जियो, मैंने आपको बताया पृथ्वी, ग्राफी उसका अध्ययन। भूगोल अपने आप में बहुत गतिशील विषय है, इट इज ए डायनेमिक सब्जेक्ट, और हर दूसरे विषयों में, मैं फिर बता रहा हूं, हर दूसरे विषयों में इसका कहीं ना कहीं अध्ययन आ जाता है। इसीलिए इसको कई बार जनरल स्टडीज के रूप में भी लिया जाता है। जो सारी जनरल स्टडीज की बातें हैं उसकी 70% बातें वो भूगोल विषय में कवर हो जाती हैं। दैट आर कवर्ड इन स्टडीज इन ज्योग्राफी। हाल ही के वर्षों में जब पृथ्वी के धरातल पर महासागरों का स्तर बढ़ रहा है, सारे पृथ्वी के धरातल पर तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो हम या मानव पूरे विश्व के पृथ्वी से या पृथ्वी की गतिविधियों से, प्राकृतिक या मानवीय, उनसे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हाल ही के वर्षों में ये जो भूगोल का जो चेंज होके जो अवस्तर बना है पिछले 10-12-15 सालों में, वो ये बना है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड द एक्टिविटीज ऑफ मैन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन रिलेशन टू the other activities, whether they are man-made or natural, इन सभी को मिलाकर भूगोल विषय में इनका अध्ययन किया जाता है।